हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। गांधी विहार के पास धीरपुर ग्राउंड में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किए। वहीं पर आज सुबह टाइम्स गरीबों के विचार और मजदूरों के परिवारों से शिक्षा के मुद्दों पर विशेष तौर से आज जो है उनसे राय लेनी चाहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में शिक्षा को लेकर काफ़ी सुधार किए हैं और वहीं पर जगह जगह पर विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट खोलने का विचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। आगे रिपोर्टिंग देखिए दिल्ली धीरपुर से। भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आज जो है यहाँ उद्घाटन किया गया। अरविंद केजरीवाल 11 बजे यहाँ पर पहुंचकर जो है उद्घाटन किए। शुभ अवसर के अवसर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज धीरपुर में जो है बहुत बड़ा एक सम्मेलन था और आपको बता दूँ कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट जो है उद्घाटन किया गया। दिल्ली गांधी विहार के जस्ट अपोजिट में है और बाईपास ये ITI है उसके भी पास है। और आप देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अयूब जी। मोहम्मद जी, आप ये बताइए जिस तरह से शिक्षा को लेकर आप कितना गंभीर है भैया? बहुत ही ज़्यादा रहते हैं जी। अपने भाई बहन और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ना? हाँ, पढ़ा रहे हैं जी। क्या आप सोचते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कितना अपने बच्चों को और भाई बहन को पढ़ा रहे हैं? जी। और क्या काम करते हैं जी? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कितना मिल जाता है? हमें 18,000 मिलते हैं। 18,000 तो गुजारा हो जाता है सर? जी, हो जाता है गुजारा जी। तो आने वाले वक्त में जो है अपने भाई बहन और बच्चों को आप क्या सोचते हैं कितना पढ़ाने की उम्मीद है? जितनी हमारी हिम्मत पड़ेगी उतनी पढ़ाएंगे जी। यदि सरकार आपका कुछ मदद करेगी तो इसीलिए भी आप जो है और पढ़ाएंगे? जी जरूर पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे जी। जिस तरह से आज जो है पढ़ाई और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धर्म कुमार जी, आप क्या काम करते हैं? वैसे तो हम 10th क्लास कागज स्कूल में पढ़ते हैं। कभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, काम भी करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा जी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो है जगह जगह स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल का सुधार भी कर रहे हैं, आज आप स्कूल को लेकर आप उन्हीं का छात्र छाया लेकर आप सजावट भी किए हैं, आप ही ने किए हैं, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? आप आने वाले भविष्य में आपका शादी हो गया क्या? नहीं हुआ, तो आपका भाई बहन होंगे जी। तो भाई बहन है तो आप उनका कितने जिम्मेदारी साथ आप पढ़ा रहे हैं जी? कौन कौन उससे क्लास में पढ़ने, थोड़ा विस्तार रूप से आप बताइए जी। बहन 9th क्लास में पढ़ रही है, भाई 5th क्लास में, और क्या कहते हैं छोटा वाला भाई है वो क्या कहते हैं 3rd में है, मैं 10th में। बस सोनू जी, जिस तरह से आज देख रहे हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व हो गया है, तो आप क्या सोचते हैं? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी परिवार के ऊपर आ गया है, तो इसीलिए आप क्या सोचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में क्या कहते हैं बहुत फायदा हो रहा है और लोगों का सोच बदल रहा है। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल में भी तरक्की हो रही है बहुत, पढ़ाई में भी सुधार आ रहा काफ़ी, इसलिए। मेरा नाम करण कुमार है। करण कुमार जी, आप ये बताइए आज यूनिवर्सिटी लेकर आज शिलान्यास हुआ है, आप कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ है जी। कहाँ रहते हैं सर? सर मैं शालीमार बाग रहता हूँ जी। जिस तरह से शिक्षा स्तर को बढ़ावा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा कह रहा है, मैं तो ये कहता हूँ जी। और क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, आप बताइए जिस तरह से शिक्षा को लेकर आज अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर सबको सही है, जो बढ़िया है, जो इसका जो इन्होंने ध्यान दिया है जिस चीज़ के लिए, वो काम इन्हें करना चाहिए जी। आप क्या काम करते हैं जी? सर मैं यही काम करता हूँ, क्रिमिनल का जी, मजदूरी करते हैं जी। जी कितना दिहाड़ी मिल जाता है इसमें? सर ऐसे ही है 400। 400 रुपये? क्या घर चल जाता है आपका? सर नहीं चलता, फिर भी कोशिश पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। तो आप शिक्षा के लिए कितने बच्चे हैं आपके? सर अभी फिलहाल मेरे को एक भी बच्चा नहीं, नहीं शादी हुई है। शादी नहीं है? शादी हुई है, नहीं नहीं नहीं। तो आप जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों आने वाले भविष्य में आप कितना पढ़ाना चाहते हैं, अपने से आगे पढ़ाना? जितना मैं चाहूँगा, जहाँ तक मेरे बच्चे चाहें आगे पढ़ें, कुछ अच्छा सोचें, अच्छे जाएंगे,
जितना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हर्ष है जी। जी हर्ष जी, आप बताइए, जिस तरह से आज शिक्षक लेके बहुत महत्वपूर्ण और सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही है लोगों को, जी जी, लोन भी दे रही है, तो आपका शादी हो गया क्या? नहीं सर। नहीं, शादी करने वाले? चलो ठीक है, अपने भविष्य के लेके, आपके बहन भाई तो होंगे ना? भाई है हमसे, पढ़ा रहे हैं? नहीं, पढ़ाई सभी की हो चुकी है। और कहाँ तक पढ़े थे? मैं इंटर कर चुका हूँ। आप और भाई बहन का? भाई हमारे नहीं पढ़े थे और बहन हमारी बीए फाइनल कर चुकी थी, वो एक्सपायर हो चुकी हैं। अरे तो, ये तो बड़ा दुख की बात। चलो ठीक है, लेकिन ये बताइए, भाई पढ़ा रहे हो ना? नहीं, वो तो उनने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। छोड़ दी? जी जी। कहाँ तक का किया? उन्हें 9th तक किया था जी। चलिए ठीक है, आपका जब शादी होगा, आपकी बच्ची होगी जी, तो आप कितनी जिम्मेदारी साथ आप अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे, क्या आपका सोच है? जितना हम पढ़ा सकेंगे अपने बच्चों को, और जो बनना चाहेंगे वो हम उन्हें बनाने की वो कोशिश करेंगे, और यही कोशिश हमारी जारी रहेगी जी, जी। बच्चों के सपने पूरे करना। हर जी, एक आप मजदूरी करते हैं, आपको कितना मिल जाता है? हमें वही 400-500 तक का मिल जाता है। 400-500 जी जी। तो आप आगे चल के जो आपकी शादी होगा, आपके बच्चे होंगे, तो कितना खुश आपको नज़र आएंगे? खुश तो काफ़ी नज़र आएंगे, और उम्मीद से ज़्यादा ही खुशी रहती है और मिलती है। कर भी रहे हैं, कर लिए हैं जी, और आज कमा भी रहे हैं जी, और आपके साथ मजबूरियां बहुत सारी है, यस, पता है, क्योंकि जो है जब जिस तरह बड़ा भाई होने के नाते कंधों पे मजबूरी आ जाता है, तो लोग जो है शिक्षा को नज़रअंदाज करते हुए कमाई को बचन देते हैं। ठीक है जी, जी, बहुत शुभकामना है। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।